ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो आप लोग बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में। अभी मैं हर्मस वैली में हूँ। ये चीज जो मेरे हाथ में है, ये है जायफल। और जायफल एक्चुअली एक फ्रूट है वो, और उसके ऊपर का हिस्सा है वो जो दिख रहा है, वो जो छिलका, और ये जो अंदर है, ये जो दिख रहा है, ये जो इसकी फ्रूट है, वो फ्रूट अगर एक बार निकाल दिया, जैसे मैंने इसको निकाल दिया इसकी जो फ्रूट को, और ये जो बचा हिस्सा है, ये जो इसके ऊपर जो दिख रहा है, जो लाल जो दिख रहा है, ये है जावित्री, ओके। और अंदर जो ब्लैक दिख रहा है वो है जायफल। ये जो जायफल एक्चुअली उसको उसका ऊपर का जो हिस्सा बहुत ही खुशबूदार है वो, और ये जो चीज़ जो दिख रहा है, ये देखो, ये मैंने उसमें से निकाला इसको, ये है जायफल। ये जो इसको ऊपर जो हिस्सा है, ये देखो, ये बहुत महंगा है। और ये जो अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो हिस्सा है, ये है जायफल। और ये जो रेड वाला है, ये है जावित्री। और ये देखो, ये बहुत ही खुशबूदार, इतनी खुशबूदार है, ये देखो, ये है रियल, जिसको जावित्री कहते हैं। और ये जायफल है, ये सुपारी के जैसे, और ये अक्सर हम लोग दवा में इस्तेमाल करते, ये भी दवा में इस्तेमाल करते, ये है जायफल, और ये जावित्री जिसको कहते हैं वो। और दोनों दवाएं मुश्तमिल है, लेकिन ये महंगा है, ऊपर का छिलका, ये उसका सीड है, एक्चुअली ये सीड है, ये उसके ऊपर का ये हिस्सा है। और ये जो दिख रहा है, ये इसकी फ्रूट है, ये भी कुछ लोग चटनी इसके इसकी चटनी बनाते खाता है, और कुछ लोग इसको नमक मिला के भी खाता है। ये भी दवाएं मुश्तमिल नहीं, लेकिन यहाँ की जो देहाती लोग है, जो आदिवासी लोग है, इसकी चटनी बना के इस्तेमाल करते, इसके अंदर ये उसके ऊपर ये अस्तर करते रहते, इसको कुल मिला के, यहाँ हम लोग जो नटमक जिसके नाम से जो पूरी बाजार में इसको मिलता है, ये जो हर्मस वैली की प्रोडक्ट है, ये इसमें सबसे ज़्यादा हमारे ये जो हर्मस